तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। खास शो बताना तो पड़ेगा मैं आज। मुद्दा अयोध्या में राम मंदिर को लेकर विवाद पुराना है। करोड़ों में तादाद है उन लोगों की जो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर चाहते हैं। उनमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी, मुसलमानों से जुड़े कई सामाजिक संगठन भी हैं। कई बार राम मंदिर के पक्ष में बोलते दिखाई दिए हैं। शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से तो बाकायदा राम मंदिर के पक्ष में हलफनामा दायर किया गया और उसी हलफनामे की वजह से कई मौलानाओं की सांस हलक अटकी हुई है। राम मंदिर के पक्ष में बोलना इस्लाम से गद्दारी बताई जा रही है और इस्लाम से बाहर जाने का फरमान भी सुनाया जा रहा है। तो क्या देश का मुसलमान राम मंदिर की बात नहीं कर सकता? इसी सवाल के साथ हम मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। मेहमानों से आपको मिलवाएं, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। शिया से खारिज हो गए, शिया से निकल गए आप। अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में आवाज बुलंद करने पर शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ सुनाया गया है ये फरमान। रिजवी को इस्लाम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कल जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने यह तल्ख फैसला सुना दिया। वसीम रिजवी साहब का तो नाम लेकर मैंने कहा, अब आप उसको इनकार कर रहे हैं, उसको नहीं मान रहे, तो आप शिया से खारिज हो गए, शिया से निकल गए आप। तो जब आप शिया ही नहीं रहे तो आपको राइट भी नहीं रहा कि वहाँ के चेयरमैन रहे। मंदिर की लड़ाई लड़ रहे वसीम रिजवी भी कल्बे जव्वाद के फरमान पर चुप कहाँ रहने वाले थे। इस्लाम से निकाले जाने पर रिजवी ने भी पलटवार किया, पूछा कि आखिर मौलाना कल्बे जव्वाद को ये हक किसने दिया। कल्बे जव्वाद बाबरी विवाद में खुद एक गवाह हैं और राम मंदिर के पक्ष में शिया वक्फ बोर्ड के हलफनामे से परेशान हैं। मौलवी कल्बे जव्वाद बाबरी मस्जिद के गवाह है, इसी वजह से वो इराक से आए फतवे को साजिशन बाबरी मस्जिद वाले प्रकरण में जोड़कर और शिया वक्फ बोर्ड पर ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि शिया वक्फ बोर्ड अपना जो हलफनामा जो सुप्रीम कोर्ट में दिया गया उसको वापस ले ले। मंदिर के मुद्दे को गर्म होता देख अयोध्या में बाबरी मस्जिद मामले में पक्षकार इकबाल अंसारी भी चुप कहां रहते। लगे हाथों इकबाल ने वसीम रिजवी को इस्लाम का गद्दार कह दिया। कल्बे जव्वाद साहब ने फतवा मंगाया और वसीम रिजवी को दूध के मक्खी के तरीके से निकाल के बहा गया है। अब वसीम रिजवी न हिंदू में रहे न मुसलमान में रहे, जो कौम की लोग गद्दारी करते हैं उनके लिए यही सजा दी जाती है दुनिया में। अयोध्या की विवादित भूमि और राम मंदिर के मुद्दे की सुनवाई देश की सर्वोच्च अदालत की चौखट पर है। सवाल है कि क्या राम मंदिर की बात करने वाले इस्लाम के गद्दार हैं? क्या मुसलमान राम मंदिर के हक में नहीं बोल सकते? देशभक्त मुसलमानों के खिलाफ विदेशी फतवे की साजिश क्यों हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मामला देश से जुड़ा है, सर्वोच्च अदालत की चौखट पर है, लेकिन विदेशों से फतवा आ रहा है, क्यों माना जाए? किसने अधिकार दिया धर्म के ठेकेदारों को इस तरह की बात करने का? जहां गंगा जमुनी तहजीब के लिए देश जाना जाता है, उस देश में सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने के लिए इनको इजाजत किसने दी? और इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या देश का मुसलमान राम मंदिर की बात नहीं कर सकता, अगर कर रहा है तो वो इस्लाम का गद्दार कैसे है? ये मुझे आज मेरे डिबेट में पैनलिस्ट समझाएं। और इसके लिए तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामविलास वेदांती साहब हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर जुड़े रहेंगे, सदस्य हैं जन्मभूमि न्यास के। वसीम रिजवी साहब हमारे साथ अध्यक्ष हैं यूपी शिया वक्फ बोर्ड के, हमारे साथ आज इस डिबेट में हैं। खुद आईपी सिंह साहब हैं, नेता हैं बीजेपी से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असद खान फलाही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इस्लामिक जानकार हैं। यासर जिलानी मीडिया प्रभारी हैं, नेशनल मीडिया प्रभारी एमआरएम के। और बहादुर अब्बास नकवी जनरल सेक्रेटरी हैं अंजुमन हैदरी के। बहुत बहुत स्वागत सर आप सभी का। लेकिन वसीम रिजवी साहब, आपके लिए तो देश से नहीं विदेशों से फतवा आ रहा है, आपका क्या स्टेप है, आप समझा दीजिए। देखिए मैं इन तरह के जो ये फतवे साजिशन मंगाए जा रहे हैं, मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ। मैं भारत का कोई भी संवैधानिक जो संगठन है, जैसे शिया वक्फ बोर्ड है या कोई भी, या भारत खुद एक संविधान से बंधा हुआ है और संविधान के कानून से बंधा है, हम उस कानून से चलते हैं। फतवे का मतलब एक राय होती है, राय एक तो वो राय ही राम मंदिर के मामले में ली नहीं गई है, वो एक जनरल क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है क्या मस्जिद की जमीन मंदिर के लिए दी जा सकती है, तो वहां से आया नहीं। अगर ये पूछा जाता मंदिर की जमीन मस्जिद के लिए ली जा सकती है तब भी ये आता नहीं, वो एक सवाल है और इसका जवाब भी यही आएगा। लेकिन इसको साजिशन जोड़ दिया गया राम मंदिर प्रकरण से, और ये साजिश करने वाले हिंदुस्तानी हैं, इन्होंने हमारे साथ में ये साजिश करके हम देखिए यह भीड़ तंत्र का इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है मेरी हत्या कराए जाने के लिए और मुझ पर दबाव बनाने के लिए कि साहब अब हम दबाव में आ जाएं, एक समाज हमारे खिलाफ उठ के खड़ा हो जाए। सर आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं मेरी हत्या की साजिश है, किस पे शक है आपको,
कैसे आप इतनी बड़ी बात कह सकते हैं सर? और इससे किस पर आरोप लगा रहे हैं? बताइए इससे ये भाई ये माधुरी जी ये बताइए ये उन मुल्लाओं के ऊपर आरोप है जो इस तरह का माहौल खराब कर रहे हैं। आप एक बात ये बताइए अब इससे और हो क्या सकता है? मान लीजिए हमने फतवा नहीं माना तो क्या करोगे? हमको तुमने इस्लाम से बाहर करने की बात की, इस्लाम पर तुम ही नहीं हो तो हमको बाहर कैसे करोगे? फितना और फसाद फैलाना इस्लाम में सबसे ज्यादा मना है और सबसे ज्यादा हराम है और सबसे बड़ा गुनाह है। तो ये मुल्ला फितना फसाद फैला रहे, पहले ये साबित करें कि ये इस्लाम पर है या नहीं है, इस्लाम को फॉलो कर रहे या नहीं कर रहे। और दूसरी चीज ये कि इस्लाम से खारिज करने का इख्तियार बताएं कि कैसे है। हम कुरान शरीफ को फॉलो करते हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को फॉलो करते हैं। जब हम इस चीज को फॉलो करते हैं तो इस्लाम से हमको निकाल कौन सकता है? पहले यह अधिकार बताएं। और दूसरी चीज ये कि राम मंदिर का मामला और बाबरी मस्जिद का मामला देखिए हिंदुस्तान का सबसे विवादित मामला है। मैंने जो सलूशन दिया है कोर्ट में, मैंने किसी शरई अदालत में अपनी बात नहीं रखी है, मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी क्योंकि उसमें हम पक्षकार थे। हमने ये बात रखी कि देश में अगर सुलह समझौते की बात हो सकती है, माहौल को सुधारा जा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी यही एक तरीका है कि माहौल सुधर जाए, अयोध्या में राम मंदिर बन जाए और लखनऊ में बाबरी मस्जिद नहीं, उस बाबर जो एक लुटेरा था उसके नाम पर हम पूरे दुनिया में मस्जिद नहीं बनाना चाहते। हमने मस्जिद अमन की बात रखी, मैंने साफ बात कही है। देखिए राम मंदिर अयोध्या में बनना हिंदुओं का हक है और बाबरी मस्जिद अगर हिंदुस्तान में दोबारा बन गई तो यह मुसलमानों की बर्बादी की वजह होगी। ठीक है रिजवी साहब, बहुत बड़ी बड़ी बातें आपने कह दी। फलाही साहब मुझे ये समझाइए, ये जो रिजवी साहब पूछ रहे हैं ये सवाल मेरा भी है, क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि आप कुरान मानने वाले शख्स को, हर चीज मानने वाले शख्स को, उसे आप सीधे सीधे कह दें कि इस्लाम का गद्दार है अगर उसने राम मंदिर की बात कर ली तो? नहीं देखिए, वैसे आम तौर पे तो मैं वसीम रिजवी साहब की किसी भी बात से सहमत नहीं होता था, लेकिन ये अख्तियार किसी को भी नहीं है कि कोई किसी को इस्लाम से खारिज करे, यहाँ तक कि जब तक वो खुद इकरार ना कर ले कि मैं इस्लाम से खारिज होता हूँ, मैं फलां दीन कबूल करता हूँ या वो, ये अख्तियार किसी को भी नहीं है कि वो किसी को दीन से खारिज करे। रही बात फतवे की बात, तो जो उन्होंने कहा कि फतवा जो है किसी और कॉन्टेक्स्ट में मंगाया गया किसी और पे, हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, हमारे को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि लोकतंत्र क्या कहता है किसी बात के ऊपर। आपके बहुत सारे सवाल हैं जो आपने अपने शुरू में पूछे अपने व्यूवर्स से, जिन पे मुझे आपत्ति है। बिल्कुल किसी भी मौलाना को, किसी को भी मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, किसी की सांसें नहीं अटक रही। तो फिर तो आमतौर पर प्लीज जब भी आप अपनी ऐसे प्रोग्राम वगैरह करें तो इस तरह के सवाल मत उठाइए और मैं आपसे पूछकर प्रोग्राम नहीं करूंगी। तो मैं तो आई एम मेकिंग अ रिक्वेस्ट को इस्लाम से बाहर जाने का आदेश दे दिया, नहीं आप उस मौलाना के साथ खड़े हैं क्या? तो मैंने तो मना कर दिया ना, किसी को अख्तियार नहीं है किसी को दीन से बाहर करने का। मैंने तो आपको पहले ही अपने पहले ओपनिंग सबसे पहले मैंने ये बात कही कि किसी को अख्तियार नहीं है कि कोई किसी को दीन से खारिज करे, यहाँ तक कि वो इंसान खुद कह ले कि मैं इस दीन से निकलता हूँ तब तो ठीक है, लेकिन दूसरे क्या? मैं अटर्नी जनरल नहीं हूँ, कोई और अटर्नी जनरल नहीं है ऊपर वाले की तरफ से जो सर्टिफिकेट बांटे इस बात के लिए। एक फतवे की चीज अलग चीज है और किसी को दीन से खारिज करना दूसरा एकदम उसके ऑपोजिट है, दोनों को उसमें नहीं है। लेकिन मैंने तो आपसे रिक्वेस्ट की थी, वो इसलिए की थी कि इस तरह क्या अगर फतवा नहीं माना जाएगा तो फिर वसीम रिजवी के खिलाफ आप इस्लाम क्या कहता है? फतवा अगर कोई नहीं मानता है तो क्या होता है? फतवा एक फतवे का पहले बात समझिए, फतवा एक दीनी टर्म है। इसको इस्तलाह में कहते हैं दीन, किसी भी मामले के अंदर दीन क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, सीरत क्या कहती है, अल्लाह के रसूल के हदीसें क्या कहती है, उसके जरिए उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए जब कोई राय कायम की जाती है तो उसको फतवा कहते हैं। इस्तिफ्ता यानी फतवा और इस्तिफ्ता का फर्क है और इल्मी रवायात में और इल्मी इस्तिफ्ता में इस्लाम की बहुत बड़ा इसका। बहादुर अब्बास नकवी कुछ कहना चाह रहे हैं। नकवी जी, इस्लाम का गद्दार है वसीम रिजवी, इस्लाम का गद्दार है, क्यों? क्योंकि राम मंदिर की बात करता है। देखिए मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, सबसे पहले अभी आपने ये कहा कि कल्बे जवाद साहब ने ये कहा इस्लाम से खारिज हो गए, हाँ। तो मैं यहां करेक्ट करना चाहूंगा, कल्बे जवाद साहब ने ये कहा है कि ये शिया नहीं रहे। शिया होना अलग है, मुसलमान होना अलग है। शिया होने अच्छा, तो बात तो वही हो गई ना। अरे भाई बात यही हो गई की तकलीफ कर, बात तो यही हो गई कि इस्लाम नहीं है, आप चोट इस्लाम की खारिज हो गई। कौन सी गलत बात कही आप?
अरे गलत क्या बात कही आप गुमराह क्यों कर रहे हैं? अरे भाई देखिए मुझे मालूम है कि आपके कल्बे जवाब साहब से कितने अच्छे संबंध है, ये भी मुझे मालूम है। आप क्या कर रहे हैं दिल्ली में शाह मर्दा में, ये भी मुझे मालूम है। लेकिन आप एक बात ये बताइए, उन्हीं ने गलत बात क्या कही? आप हमें सिर्फ इस बात को वाजे कर दीजिए कि इस्लाम से खारिज हो गए या नहीं रहे, इन दोनों बातों में फर्क क्या है? आपके खिलाफ मर्डर का मुकदमा, आप बकवास कर रहे थे अभी यहाँ बैठ के मेरे कत्ल की साजिश हो रही है, आपके खिलाफ 302 का मुकदमा है, आप बकवास कर रहे हैं यहाँ बैठ के मेरे कत्ल होगा? आप जैसे गद्दार का कौन कत्ल करेगा? क्या बकवास करते हैं? व्यक्तिगत विचार अपने पास रखिए सर, मुद्दे पर रहिए, टिप्पणी मत करिए। मेरे कत्ल की साजिश हो रही है, आप पहले मेरी बात क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या किरदार है आपके मुल्ला का? क्या किरदार नहीं होना चाहिए? मानवता ठीक है नकवी साहब, आपकी बात पूरी कर लीजिए। रिक्वेस्ट है सर कि आप व्यक्तिगत टिप्पणी से व्यक्तिगत आलोचना से बचे। नकवी साहब बात पूरी कर लीजिए। एंकर के माध्यम से माधुरी जी आपके माध्यम से मैं ये बात कह दूं, पूरी पूरे देश को बता दूं कि इनके जैसे लोग राम मंदिर पर अगर हमने अपनी बात रखी है तो मुझको सोशल मीडिया से लेकर और इसी तरह चैनल के जरिए हमको खुलेआम गालियां दे रहे हैं, हमको कह रहे हैं, हमारे खानदान को कह रहे हैं और हमको भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। आप बताइए इससे बड़ा मुसलमान किसी के साथ धारती क्या कर सकते हैं जो इस तरह के जाहिल मुसलमान मेरे लिए कर रहे हैं? खिलाफ कितनी एफआईआर है? क्या बात आप करते हो बेवकूफ बातें? आपने बात पूरी क्यों नहीं दी मेरी? ठीक है नकवी साहब, आप बात पूरी कर लीजिए। अब बात पूरी कर लीजिए, वसीम रिजवी ने वक्फ संपत्ति को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में देने की बात कही। पर्सनल एजेंडे के तहत जो श्रीमान बैठे हुए मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप इस तरह की बात उनको कहने से रोकिए, ये ठीक नहीं है। ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी के प्रति नहीं होना चाहिए। आपको अब्बास जी ने जो शब्द प्रयोग किया है वो मानवता विहीन शब्द है और संविधान की विपरीत है। नकवी साहब को प्लीज फ्रेम पर लाइए। बिल्कुल शब्दों का प्रयोग बहादुर अब्बास ने किया है, उनकी बहादुरी नहीं दिखाई देती, उनकी कायरता दिखाई देती। आप कायरता के शब्द आप बहादुरी नहीं, जो कातिल है उसको कातिल ही कहा जाएगा। नहीं नहीं गलत बात कह रहे हैं आप, नहीं आप तय करेंगे, कोर्ट में कोर्ट है, आप तय करेंगे क्या? आप तय करेंगे कौन कातिल है? देश का कानून तो देश का कानून तय करेगा। कानून के पास जाइए आप, अदालतें हैं, निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक है। आप किसी को ऐसी बात नहीं कह सकते, आप इस तरह की बातें नहीं कह सकते। आप अपनी बात रखिए, आप उनके खिलाफत कीजिए, आप खिलाफत कीजिए, इंसानियत की बात कीजिए। आप सड़क छाप बातें कर रहे हैं, सड़क छाप और नुक्कड़ में बैठी हुई बातें कर रहे हैं। आप भोजन चैनल में बैठे हुए आप जाके कर रहे हैं, शांति बैठिए। आप जैसे लोगों ने माहौल खराब कर रखा है, आप मेरे खिलाफ मानहानी का, अरे आप है क्या कि आपके ऊपर मानहानी का दावा किया जाएगा? आप है क्या, आप हैं क्या कि आपके ऊपर मानहानी का दावा किया जाएगा? कौन जानता है आपको बेईमान? कौन जानता है लुटेरे? आप गद्दार हैं। कौन गद्दार है नकवी साहब? किसे आप बार बार गद्दार और गद्दार किसे कह रहे हैं आप नकवी साहब? आप प्लीज एक बार ये क्लियर कर दीजिए मुझे। आप हर पैनलिस्ट के बाद ये नहीं बोल सकते। हाँ मैं प्रूव कर देता हूँ। क्या प्रूव करना चाहते हैं आप? मैं प्रूव करता हूँ। क्या प्रूव करना चाहते हैं आप? आप देश के मुसलमान को भ्रमित कर रहे हैं। 302 का जो खुद जाता है कि राम मंदिर आप अयोध्या गए हैं कभी? आप अयोध्या गए हैं कभी? वहाँ की रग रग में राम मंदिर की बात होती है। वहाँ का मुसलमान भी कहता है कि हाँ बनाइए मंदिर, मैं ईंट पे ईंट रखूंगा। अगर कोई शख्स राम मंदिर पे ईंट रखने की बात करता है तो आप उसको इस्लाम का गद्दार कह देंगे? नकवी साहब व्हाट इज रॉन्ग विद यू? उसके खिलाफ 50 FIR दर्ज है। ये अरे तो ये आप उनसे इनके खिलाफ मुद्दे पे बात कीजिए ना, मुद्दे पे बात कीजिए। इनके खिलाफ मर्डर का मुकदमा ये करेंगे बात? ये मस्जिदें बेचने वाला बात करेगा मंदिर की? अब्बास अगर मैं गलत कह रहा, अरे आप चुप हो जाइए, यासर जिलानी बोल रहा हूँ, बहुत बोल दिया बहुत बोल दिया। गांधी जी के पास जाऊंगी उसके बाद जी। यासर जिलानी देखिए मैं आप मुझे ना चिल्ला कर रहे हैं, अरे शांति से बैठिए। आपको हिंदुस्तान देख रहा है किस तरह के अल्फाजों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने घटिया स्तर पे आप उतर के बात कर रहे हैं, वो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है आपको। घटिया नहीं है, मैं
कोई एक्सपोज नहीं कर रहे हैं आप अपनी बेइज्जती करा रहे हैं, आप अपने कौम के ऊपर तमाचा मार रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अपना पर्सनल एजेंडा अपने पास रखिए।